अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, मैंने अपनी स्किन से रिलेटेड एक पूछना था। जी जी बेटा बताइए, फरमाइए रेदा। जी बिलाल भाई, मैंने ये पूछना था कि मेरी स्किन टाइप वैसे तो ऑयली है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से जो है ना, मैं देख रही हूँ कि मेरी हाथों और पाँव की जिल्द जो है ना, वो बारीक बारीक लेयर्स की सूरत में उतरती जा रही है, मतलब उतरना शुरू हो गई है। अच्छा, तो हालांकि बाकी मेरे फेस की स्किन जो है और बाकी जो बॉडी टाइप है वो ऑयली है, लेकिन जो हाथों पाँव की स्किन है इसमें ड्राइनेस। हाथों के तलवों की, पाँव के तलवों की, हाथों की हथेलियों की बात कर रही हैं आप? नहीं, एड़ियों की नहीं, जैसे जो तलियां होती हैं ना, जैसे हाथों की अंदर वाली साइड होती है। ठीक 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 ठीक। अच्छा, गौर से सुनना रहता जी सर, ये क्या? ये जो खवातीन हमारी हैं, प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ये काम करती हैं घर का, किचन में करें, लॉन्ड्री का काम करें, ये ग्लव्स नहीं पहनती। हमारे मुल्क में ग्लव्स पहनना बहुत कम, बल्कि मायूब ही समझा जाता है। मायूब समझा नहीं, कई खवातीन तो मुझे ये कहती हैं जब मेरे क्लिनिक आती हैं या हॉस्पिटल में, मैं उन्हें कहता हूँ बीबी आप ग्लव्स पहनती हैं कपड़े धोते हुए, आटा गूंथते हुए? या वो कहती हैं डॉक्टर साहब आप ग्लव्स पहन के मुझे काम करके दिखा दें, मुझे दिखा दें। अच्छा, बात तो उनकी, मैं उनको ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप ग्लव्स नहीं पहनेंगे, आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो गई होती है हाथों की, क्योंकि जब आपने अनियन, गार्लिक और थ्योम, लहसुन प्याज को काटना है, तो वो जब आपकी स्किन को लगेगा ना, तो वहाँ आपकी वो छोटे 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 आपके स्किन के फट जाती हैं और वहाँ वो चुभता है फिर आपको। इसी तरह ही आपको डिटर्जेंट चुभते हैं। तो पहली बात तो है कि ये बच्ची ग्लव्स पहने जब भी काम। ये भी हो सकता है कि ग्लव नहीं पहने तो बार बार हाथ धो लें। नहीं, हाथ धो के ड्राई करें। अब मैं आपको उसमें एग्जाम्पल यही, मैं लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था, हम लोग जो नमाज 5 वक्त की पढ़ते हैं, किबला साहब भी बैठे हैं, ये भी शायद मुझे बेयर आउट करेंगे, हम में से कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जब वजू करे तो साथ ही हाथ और पाँव को ड्राई करे। हम वजू करके अल्लाह अकबर खड़े हो जाते हैं। दिस इज इनकरेक्ट, ये गलत है। हमें अपने हाथ और पाँव को खुश, रीजन क्या है, रीजन क्या है इसकी? जितनी बीमारियां मसाजिद में हमें लगती हैं पाँव की, फंगस, एक्जिमा, सोरायसिस, वॉट्स, मोके, ये सारे इस वजह से होते हैं। एक स्टडी जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, 5 वक्त नमाजियों में की गई, वहाँ कारपेटेड होती हैं जितनी मसाजिद हैं। अब उनमें जो लोग जाते थे मसाजिद में, वो वजू करते हैं 5 वक्त, वजू करके वो उसी तरह गीले पाँव के साथ वजू किया और खड़े हो गए। जिस जिसको फंगस थी वो सबको उस कालीन से लगती चली गई, कालीन में चली गई, और जितने वहाँ 5 वक्त के नमाजी थे, जब उन्होंने पाँव अपने स्किन चेक कराई, 80% को फंगस फिर उनके मौके निकल आए पाँव में। तो बात यह है, जब भी आप नहाएं धोएं, जब भी आप वजू करें, आपने अपने हाथ और पाँव को ड्राई रखना है, क्योंकि जिस जगह पे आप नमाज पढ़ रहे हैं, वेदर वो जगह कारपेटेड है, वेदर वो आप एक टाट पे पढ़ रहे हैं, या आप अपने कमरे में किसी सख्त चीज पे पढ़ रहे हैं, आपको नीचे से बीमारी लग सकती है पाँव को। इसी तरह मैं इन बच्ची को कहूँगा कि अपने हाथों और पाँव को ड्राई रखे, जब भी किचन में जाए ग्लव्स पहने, और इंशाल्लाह इसको ये स्किन इसकी नहीं उतरेगी।